I am S. Kim Shah and I welcome you. Gear up, gear down. Gear गाड़ियों में होते हैं, सबको पता है. Gear up, speed बढ़ाना, गति बढ़ाना, वो किसी काम की भी हो सकती है, किसी गाड़ी की भी हो सकती है, तैयारी की भी हो सकती है, प्रोग्राम की भी हो सकती है. मान लिया दुकानें सजनी है, दिवाली का मौका है, तो स्पीड बढ़ाते हैं, यानी उसकी तैयारी करते हैं, उस कार्यक्रम की, विशेष मौके की तैयारी में तेजी लाना भी इसका होता है. द शॉप्स आर गेयरिंग अप फॉर द न्यू ईयर सेल्स. दुकानें तैयार हो रही हैं, दुकानें सजाई जा रही हैं, तैयारी की जा रही है न्यू ईयर सेल्स के लिए, नए साल की बिक्री के लिए. You will have to gear up for the program. तुम्हें तेजी लानी पड़ेगी, कार्यक्रम होना है उसके लिए तेजी लानी पड़ेगी आपको काम में. You will have to gear up for the program. Gear up for war. तेजी लाओ, तैयार रहो. तैयार रहने का भी इसका अर्थ होता है तैयार रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो. दूसरा है gear down. दोनों का अर्थ आप समझ रहे, एक साथ आप कभी नहीं सुनेंगे इन दोनों शब्दों को, है भी कहीं नहीं. गियर डाउन माने गति को धीमी करना, वाहन की गति को धीमा करना, या जो आपके खर्च हैं उनको आवश्यकता के अनुसार ढालना. जैसे मान लिया अधिक पैसे हैं तो अधिक पैसे खर्च कर लो, कम पैसे हैं तो कम पैसे खर्च कर लो. कम पैसे खर्च करने के लिए आता है ये, वाहन की गति को कम करना, आवश्यकता के अनुसार अपने खर्चों में कटौती करना. द ड्राइवर गियर डाउन एट द टॉप ऑफ द हिल. पहाड़ों पर, पहाड़ी पर उसने, ड्राइवर ने अपने वाहन की स्पीड को कम कर लिया, क्योंकि ढलान होता है, तो ढलान पर क्या करा ड्राइवर ने, स्पीड को कम कर लिया. पहला देखें, अब देखें यू शुड गियर डाउन स्पेंडिंग हैबिट्स. योर स्पेंडिंग हैबिट्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं. यू शुड गियर डाउन, आपको कम कर देना चाहिए अपने खर्च को, खर्चों की आदत को, जो अधिक खर्च करने की आपकी आदत है उसको आपको अब कम कर देना चाहिए. यू शुड गियर डाउन योर स्पेंडिंग हैबिट्स नाउ. कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. गॉड ब्लेस यू.